जी हम दालबद्रीन से अब आगे निकले हैं, तो जो पहले थे लेडीज वाले वो तो उतर गए, अब हमारे साथ आए हैं जी नए बंदे। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपका नाम क्या है? लियाकत अली। ये इसी एरिया से हैं? जी हाँ। अच्छा, लोकल दालबद्रीन से हैं? जी बिल्कुल। जी जी, लियाकत अली हैं दालबद्रीन से, ये अब हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। ये हमारे साथ जाएंगे नुश्की तक जाएंगे आप? कुचक्की चेक पोस्ट तक। ये हमारे साथ आप जाएंगे कुचक्की चेक पोस्ट तक, वहाँ से फिर एक और लेविज का बंदा मिलेगा जिसके साथ हम आगे सफ़र करेंगे। इसमें कि आज दिन को हमने ना 7-8 डिफरेंट लोगों के साथ सफ़र करना है, उनके साथ गप्पे मारनी है। आप लोगों को सिर्फ हमने इनका तारफ करवाना है, इनके नाम वगैरह बताने थे, ये बताना था कि ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम बड़े सिक्योर तरीके से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये आर्म्ड भी हैं, इनके पास अपना लाइसेंस मतलब असला जो है ये साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज जो चल रहे हैं उस वजह से, तो फुल प्रूफ किस्म की सिक्योरिटी दी जा रही है, किसी किस्म का यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। बड़े लोग जो है ना वो ये सवाल पूछते थे, पता नहीं रोड कैसी है क्वेटा तक, तो रोड पता कैसी है? ये देखिए ऐसी है, ऑलमोस्ट जो सड़क है ना ऑलमोस्ट तकरीबन आपको ऐसी ही मिलेगी। हमने यहाँ पे 100-110 mph किया हुआ है, मतलब रास्ते में गाड़ियाँ नहीं है, टोटल खुली रोड है, स्पीड कैमराज का आप लोगों को यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। पुलिस वाले ख़ुद कहते हैं कि भाई कोशिश करें कि स्लो मत चलिएगा, तेज़ी चलें, तो फिर हम जैसे लोगों को मौका मिले, हम लोग छोड़ते तो नहीं है ना। वो मुहावरा तो आपने सुना होगा, वो मुफ्त दी शराब कादी भी नहीं जी छड़दा, नहीं छड़दा जी, तो सानू मुफ्त में अगले साई आहने ने पे कि भाई जी तुन के रखो, तो फिर असा तो तुन नहीं है, गड्डियाँ भी ने, गड्डियाँ लोड भी चुक दिया ने, तो फिर सानू तुननी चाहिए इस सड़क पे। ठीक है, गड्डी पुठी हो जानी है दी स्पीड भी जैसी जो जी मट्टी चलाओ गड्डी पुठी हो जाए। अनीफ भाई की क्या बात है जी, उस जैसा बंदा कोई भी नहीं है। चले अगली चेक पोस्ट पे पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे जो शुगर लगता है फिर आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं। अच्छा जी, दालबद्रीन से आगे आने के बाद ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये है जागी पहाड़। और अगर जागी की हिस्ट्री आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जब पाकिस्तान जब एटमी ताकत बना था तो वो जो एटमी धमाके किए गए थे वो इन पहाड़ों में किए गए थे। ये जो पहाड़ है ना जागी, इस पहाड़ के अंदर वो धमाके किए गए थे एटमी। देख लें आप हम लोग क्या 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 दिखा रहे हैं। ये देखें, ये है न्यू खान जिसके रोले हैं पाकिस्तान में, ऐसे शूट करते हुए पास से जाते हैं ना। एनीवे ये है जी चागी पहाड़, इसके पत्थर भी इसके देखे काले सियाह हुए पड़े हैं। ले जी अब बंदा उतारा है, तो अब ये आ गई है जी लेविज वालों की अपनी गाड़ी, और इसमें बैठे हुए हैं 4 लोग जो हमें अब यहाँ से एस्कॉर्ट करेंगे। ये अलहदा बात है कि अभी इनकी स्पीड होगी 40-50 के हिसाब से, इससे ज़्यादा ये चलाएंगे नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है जनाब। आपके तनहा मुसाफिर साहब यहाँ गए हैं फंस, तो जाना तो है फिर इन्हीं के पीछे जाना है, और हल ही कोई नहीं है हमारा। नुश्की रह गया जी 3 किलोमीटर इथों नुश्की।
देख ले जी, ये है जी चेक पोस्ट। अब यहाँ पे हमने वो ये सामने गाड़ी जो खड़ी है इसको नहीं लेना, क्योंकि ये चलते हैं बहुत स्लो। कहते हैं जी सरकारी गाड़ियाँ और ये ऐसी चलती हैं, तो ये इनकी चेक पोस्ट है। यहाँ से हमने बंदे को अब बिठाना है, उन्होंने हमने बोला कि आप ऐसा करें इसकी बजाय हमें एक बंदा बिठा दें जो कि अब आके बैठने लगा, तो इसको हम साथ लेकर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो वो जनाब हमारी लेविज़ वाली कार जो है ना, वो उसको छोड़ के हमने ये भाई हैं इनको साथ बिठा लिया, क्योंकि वो जो थे ना वो 40-50 से ऊपर नहीं जाते थे। कहते हैं जी हमारी गाड़ियाँ जो सरकारी है ना उनकी स्पीड इतनी है, आप इमेजिन करें कहीं हाई स्पीड चेज़ करना पड़ जाए इनको, ये कहाँ करेंगे बेचारे जब गाड़ियाँ इतनी चलती हैं। तो ये भाई हैं। भाई आपका नाम क्या है? कुदरतुल्ला। आप कहाँ से हैं? नौशकी से। नौशकी से हैं ये कुदरतुल्ला भाई हैं जनाब, ये नौशकी से हैं। अभी ये हमारे पास बैठे हैं, आप गिनते जाइए कितने लोगों को हमने चेंज किया रास्ते में। तो जब भी आपने इस रास्ते पे आना है ना, तो आपको पता हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको पता हो किस किस स्टॉप पे हम रुके हैं और कितने लोगों को आपने बिठाना है साथ। और ये भी अगर हम लोग ना कहते तो वो यहाँ हमें लेविज़ वाली एक और कार रिसीव करने आई थी, तो वो बड़ा प्रोसेस स्लो हो जाना था। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, मेहरबानी उनकी, उन्होंने कुदरत भाई को बिठा दिया हमारे साथ। तो अभी इन्हें लेकर आगे जा रहे हैं, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं आगे हमारे साथ क्या होता है, फिर बताते हैं आपको। यार मोटरसाइकिल वाला किस तरह जा रहे हैं? नंदा मेरा ले वहाँ। सही सही। बात है। टोटल एक साइड तेज सही सही। रेत पे आ रही है। बस जंगलात की रास करें ना सर। ट्रेलर आ जाएगा। वेदर हो गया जी, वेदर नहीं है मतलब कट्टे दी वजह तो बेड़ा तर गया। इधर से नुश्की सिटी जाता है। अच्छा इधर से लेफ्ट हो जाता है नुश्की जाम जान इधर दे। ये तुझे तक किया ही नहीं। हाँ जंप। हाँ जंप मैं देता के लिए ना UN? किधर लाग गया नुश्की? जान दो सीधा। किधर बढ़े UN ना? इसकी चेक पोस्ट पे रुकेंगे। अभी मैं उनके चेक पोस्ट उतर जाऊंगा उधर से वापस। चौधरी साहब पीछे ही रहे। ट्रक बन के पीछे लेन लेके जा रहे हैं।
अच्छा जबरदस्त जबरदस्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कोई शक नहीं जी खतरनाक है बहुत खतरनाक है जिस तरह चल रहे हैं ना ट्रक जिद दिल जितों जगह लगती है जो निकलने की उधर निकल जाए राइट साइड तो मिलेगी वैसे वो अगो गड्डियां आ रही हो कोई नहीं फिलहाल निकल जाओ आ जाना चौधरी जबरदस्त यार बड़ी नुकीलियां पहाड़ियां ने बहुत बड़ी चढ़ाई है बहुत ज्यादा बहुत खतरनाक है रोज एक्सीडेंट अच्छा अच्छा गाड़ियां गिर जाती हैं यहां तो अक्सर ट्रकों की ब्रेक भी फेल हो जाती है अक्सर ब्रेक सारे नहीं हैं ब्रेक फ्री है चढ़ाई विच भी फ्री हो चौधरी आ रहा आ रहा चौधरी आ रहा चौधरी नीफ और उसका कुकर दोनों आ रहे ਸਰ ਮਸਰਲਾ ਆ ਲੇਵੀਜ਼ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਵੀਜ਼ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਇਰਾ ਹੈ ਲੇਵੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਲੇਵੀਜ਼ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਨ ਲੇਟ ਸੁਨ ਤੇ ਸੁਨ ਮੇ ਚੇਲੋ ਕਤਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਮਾਰ ਮਾਰੇ ਦਸਾ